26 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत का पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जन्म हुआ था। शुरुआती दौर से ही शक्ति सामंत अभिनेता बनना चाहते थे और इसी सपने को लेकर वह मुंबई आए, लेकिन उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने शिक्षक की नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी किस्मत एक बार फिर उन्हें फिल्म जगत में खींच लाई। 1948 में उन्होंने सहायक निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म बहू 1954 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही, जिसके बाद 1957 में उन्होंने शक्ति फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और हावड़ा ब्रिज के नाम से पहली फिल्म बनाई। फिल्म हावड़ा ब्रिज में शक्ति सामंत के निर्देशन को लोगों ने खूब सराहा और रातों रात वह बुलंदियों के शिखर पर जा पहुंचे। शक्ति सामंत ने 43 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें चाइना टाउन, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में शामिल थी। उन्हें फिल्म आराधना, अनुराग और अमानुष की अपार सफलता के बाद फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह 5 वर्षों तक फिल्म निर्माताओं के संघ के अध्यक्ष भी रहे। 1941 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के संयुक्त देशों ने लंदन में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के सुझाव पर यह सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य इटली और जर्मनी के मुकाबले में युद्ध के मोर्चों पर यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नीतियों को संगठित करना था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, नॉर्वे और डेनमार्क ने भाग लिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो कि अगले 45 वर्षों तक चली। ऐसे संघर्षों को रोकने की आशा में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया। आज के दिन 1949 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा का पंजाब के पटियाला में जन्म हुआ था। बचपन से ही राकेश शर्मा पायलट बनना चाहते थे। एनडीए पास करने के बाद वह भारतीय वायुसेना में बतौर टेस्ट पायलट भर्ती हुए, जिसके बाद कड़ी मेहनत के साथ 1984 में राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर के पद पर पहुंच गए। लेकिन ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। 20 सितंबर 1982 को इसरो ने राकेश शर्मा को सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकोस्मोस के अभियान के लिए चुना। भारतवासियों के लिए वह गर्व का क्षण था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूछने पर कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तब अंतरिक्ष स्टेशन से राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सैल्यूट 7 में रहते हुए राकेश शर्मा ने भारत की कई तस्वीरें उतारी। अंतरिक्ष में उन्होंने 7 दिन रहकर 33 प्रयोग किए। अंतरिक्ष मिशन पूर्ण हो जाने के बाद भारत सरकार ने राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। 1993 में आज ही के दिन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दक्षिणी इराक में नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए इराक पर हवाई हमले की शुरुआत की थी। अमेरिका का आरोप था कि इराक पहले खाड़ी युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के जरिए तय किए गए नो फ्लाई जोन का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस के विमानों ने भी इस हमले में हिस्सा लिया। गठबंधन सेना के अनुसार वह अपने मिशन में सफल हुए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मार्लिन फिट्जवाटर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इराक की सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कदरदानों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्च 2003 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह कहते हुए एक दफा फिर इराक पर हमला किया कि इराक के पास महाविनाश के हथियार हैं। अमेरिकी सेना ने इराक पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन इराक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं पाया गया।